Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. I am Rimna, your maths teacher. बेटा, आज हम करेंगे revision of chapter number 13, that is area and perimeter. Okay. And today we will discuss only about perimeter. Okay. और हम perimeter में आज इसकी just basic terms discuss करेंगे. ठीक है? आपने अपने mind में रखनी है ये सारी बातें जो आज मैं आपके साथ share करने जा रही हूँ. Okay. पेरीमीटर देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. मेजर है किसका? लेंथ का. लेंथ किसकी है? बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड शेप. एक हमारे पास क्लोज्ड शेप है, उसकी बाउंड्री की जो लेंथ का जो मेजर है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. ठीक है, जैसे ये फिगर है, ये मैंने फिगर बनाई है, ये क्लोज शेप है ना, आपने पढ़ी हुई है क्लोज शेप, ओपन शेप है ना. क्लोज क्या होते हैं? जो टोटली जिसका मुंह बंद होता है. अगर ये यहाँ से ऐसे होती तो ये क्लोज शेप नहीं होनी थी, ये ओपन बन जानी थी. तो ये जो इसकी बाउंड्री है यहाँ से, दिस इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. ठीक है, तो अब इस सभी बाउंड्री की जितनी भी लेंथ है उसको हम करेंगे प्लस. ये कितनी है? 3. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8 एंड 8 प्लस 2 10. तो इसका एक पेरीमीटर कितना आया? 10 मीटर. और मैंने क्या किया, ये देखो, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जितनी भी साइड्स की जो लेंथ हमें गिवन थी मैंने उनको क्या किया, प्लस की माइनस, प्लस किया ना है. तो ऐसे मेरे पास इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ आ गई और कितना आंसर आया मेरे पास? 10 मीटर. मीटर क्यों आया? क्योंकि पहले से मीटर में गिवन था. अगर सेंटीमीटर होता तो मैंने सेंटीमीटर लगाने थे. ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैंने लिया है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सबको आता है क्या होता है फॉर्मूला? यस, सबको याद है. 2 × लेंथ + ब्रेड्थ. ये जो होता है ना, कैसे बनता है ये फॉर्मूला? ये देखो, रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है 3 मीटर 3 मीटर और इधर को ब्रेथ है 2 मीटर 2 मीटर. मैं इनको क्या करूंगी? प्लस 3 मीटर. ये देखो, 3 मीटर + 2 मीटर + 3 मीटर + 2 मीटर. अब एक चीज आप ध्यान से देखो, 3 + 3 टू टाइम्स हो रहा है, 2 + 2 ये भी 2 times हो रहा है. तो इट मीन्स मैंने फॉर्मूला कैसे बना लिया कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को एक बार प्लस करो और फिर उसको हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, है ना. 3 + 2 = 5 3 + 2 = 5 5 कितने हो गए? 10 मीटर आंसर आ गया, है ना. अगर मैं इसे सिंपल करूँ कि इस लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करूँ, 3 और 2 3 + 2 5 और फिर मैं उसका डबल कर दूँ, मीन्स कि 2 के साथ कर दूँ मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा? 2 5 = 10. तो ऐसे ये फॉर्मूला बनता है, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है, मीन्स कि इधर लेंथ सेम है और इधर ब्रेड्थ सेम है. ठीक है, तो अगर मैं ऐसे स्क्वायर की बात करूँ, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ सब कुछ सेम होता है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, तो उसमें ये चीज़ नहीं चलेगी ना. ठीक है, उसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं इसकी सभी साइड को प्लस करती हूँ, 3 + 3 + 3 + 3 कितना आ गया? 6 + 3 = 9 9 + 3 = 12 मीटर आया. तो हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, कितनी बार इसको प्लस हो रहा है? 1 2 3 4. तो 4 × साइड अगर मैं करती हूँ, 4 × 3 = 12, तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है ना. 4 times प्लस करने से बेटर है कि मैं उस साइड को 4 से कर दूँ मल्टीप्लाई, है ना. जैसे मैं करूँ 3 + 3 + 3 + 3, 4 times मैंने उसको प्लस किया, इससे बेटर है मैं 3 को एक ही बार में 4 से कर दूँ मल्टीप्लाई और मेरे पास आंसर आ जाए. ठीक है, तो एक ये देखो, पेरीमीटर ऑफ एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल याद है आपको क्या होती है? यस, अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3. तो इसलिए उसमें भी हम कर सकते हैं 3 × साइड, या सीधा लिख दिया मैंने सम ऑफ ऑल द साइड्स, या 3 × साइड भी हो सकते हैं. ठीक है, अब है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन. पेंटागन और रेगुलर है, मीन्स कि
उसकी सभी साइड्स की जो लेंथ है वो सेम है। तो पेंटागन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 5। देन इसका हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे? 5 × साइड। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक टर्म्स है, आपने इनको ध्यान से देखना है। ओके देन, बाय बेटा, टेक केयर।